एवरीवन, संजीदा शेख की तरफ से सभी को ईद मुबारक। मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ ईद के दिन का, बिकॉज मुझे छुट्टी चाहिए एंड फैमिली के साथ टाइम बिताना है, आमिर के साथ वक्त बिताना है, सो आई रियली नीड अ हॉलीडे। ओके, इस साल तो ईद की जो प्रेपरेशन है वो ज़्यादा करने का वक्त नहीं मिला, पर मैं मम्मी से फ़ोन करके पूछती हूँ कि क्या करने वाली है मम्मी इस बार। एंड मम्मी ने सबको दावत दी है घर पर, हम घर पर जाएँगे, अच्छा अच्छा खाना खाएँगे, शीरखुरमा पियेंगे। और फिर इस साल जो मैंने आमिर के साथ प्लान किया है, मुझे सुल्तान देखनी है, तो आई एम गोना गो एंड वॉच सुल्तान। ईद के दिन स्पेशल ये होता है कि थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद शीरखुरमा खाते हैं एंड आमिर से बहुत अच्छी ईदी लेते हैं, बिकॉज बचपन से दिमाग में बैठा हुआ है कि ईद के दिन बहुत अच्छी ईदी मिलनी चाहिए। मैं बचपन में ना बहुत ही आई वॉज़ अ गुड गर्ल, बट मैं अपने नेबर्स के यहाँ जाती, कभी भी साल में किसी के यहाँ नहीं जाती थी, मगर ईद के दिन सबसे मिलती थी और उनसे ईदी लेती थी। ईदी, यस, एंड स्टिल ईद फॉर सुनीता इज़ ऑब्वियसली मिलना जुलना रहता है फैमिली के साथ, आपको टाइम स्पेंड करना है उनके साथ, अच्छा सा अच्छी सी प्रेपरेशन करनी है, लेकिन ईदी तो मिलनी चाहिए। ये है हमारे राकेश जो सेट पर हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे लिए ड्राइव भी करते हैं, और इन्हें खाने का बहुत शौक है। पिछली बार भुट्टा खाया था, इस बार ये फिरनी खाएंगे, और इनका बस चले तो ये चारों खा जाए साथ में। आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू, हैप्पी ईद। संजीदा शेख की तरफ से सभी दर्शकों को ईद मुबारक, और ये स्पेशल बाइट हमारी तरफ से आप सबके लिए, हैप्पी ईद। ये हमारी तरफ से मेरे सभी फैंस के लिए, हैप्पी ईद।